देखिए, हमारे जो शहीद थे आज़ादी की लड़ाई के, उन्होंने सिर्फ जान नहीं दी थी, वो इसलिए हमारे आदरणीय नहीं हैं। उन्होंने इस दुनिया के इतिहास में सबसे शानदार आज़ादी की लड़ाई की कहानियां दी हमें, एक से एक कहानियां। जलियांवाला बाग में आजकल वो दस्ताने जलिया में बताती हैं कि गोली खाने खान चार औरतों ने गोली खाई थी, एक हिंदू थी, एक मुसलमान थी, दो सरदारन थी, है ना। तो उन लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं, हमको जाना पड़ता है उनके पास। जब भी अंधेरा ज़्यादा बड़ा होता है, हमें उनके पास जाना पड़ता है कि आप कौन लोग थे जो हमारे लिए इतनी अपनी कुर्बानी दे गए। पर इतिहास की समझ भी गायब कर दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीविज़न के ज़रिए से। और हमारे देश में एक चीफ हिस्टोरियन हुए हैं, आपको पता है उनका नाम? अमित शाह जी। एक लाइन में हिस्ट्री बता जाते हैं, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बंटवारा किया, ये समझ बनाई जा रही है। तो ये हुआ हिस्ट्री के साथ, वो एक लाइन की हिस्ट्री बता देते हैं कि कांग्रेस ने बांट दिया। अब आप फोटो देखिए, बांटने की बहुत तरह की परिस्थितियाँ थी। इतिहास क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टीवी और पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो ये टिकटॉक की तरह पढ़ाया जाएगा। और आप शाम को पार्क में जमा हो जाएंगे, आज वो बड़ा अच्छा, कांग्रेस ने गलत करा, ये नेहरू ने बांट दिया। और जिस मीटिंग में नेहरू के साथ सरदार पटेल बैठे हैं, उनकी मूर्ति बना रहे हैं आप, ये हमारे एकता के प्रतीक हैं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं जो, वो कह रहे हैं ये इन्होंने बांट दिया। तो ये कैसी कांग्रेस थी कि एक बांटने वाला था, एक एक जोड़ने वाला था, ऐसे हो सकता है क्या? तो उस इतिहास को हम कैसे समझें, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नागरिक नहीं बनेंगे, गलत भी हुआ और सही चीज़ें भी हुई, इतना बड़ा देश का इतिहास है। बनारस पहुंच गए हमारे चीफ हिस्टोरियन स्लैश ऑब्लिक होम मिनिस्टर, उन्हें कहा गुप्त वंश का इतिहास थोड़ा सा लिखिए आप लोग, 225 महापुरुषों का इतिहास लिख दीजिए और 25 साम्राज्यों का इतिहास लिख दीजिए। कुंजी बता रहे थे बेसिकली। क्या हिस्ट्री राइटिंग ऐसी है, क्या ऐसी हो सकती है? जो मूल काम है वो छोड़कर आप वहां जा रहे हैं, जाइए, अच्छी बात है। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो बता दीजिए कहां कहां इतिहास में कितने शिक्षक खाली हैं। आप ही तो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, वो तो है नहीं। और कह रहे हैं हम ऐसा इतिहास लिखवाएंगे जो चिरंजीवी हो, ये आशीर्वाद कब से देने लगे? सौभाग्यवती हो, बाल बच्चे हो, चिरंजीवी हो, पोते हो, मतलब ये सब क्या है सर? तो कुछ तो लगाइए ना, हम तो सवाल करेंगे ना इस चीज को लेकर, ये आप कर क्या रहे हैं। तो ये इतिहास की समझ, टिकटॉक वाली समझ बनाई जा रही है, और इस तरह की हिस्ट्री की समझ कोई चीफ हिस्टोरियन ही बना सकता है कि आपके देश में, इस देश में कम से कम एक चीज की आप शिकायत नहीं कर सकते। यहां के हिस्टोरियन वर्ल्ड क्लास हिस्टोरियन हैं, दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान का एक अच्छा हिस्ट्री का प्रोफेसर मिलेगा आपको, जिसकी अपनी पहचान है। और वहां बोल रहे हैं कि गुप्त वंश की अवहेलना हुई है। अशोक पर नयनजोत लाहिड़ी ने किताब लिखी है, एक किताब लिखने के लिए 250, मैं बिब्लियोग्राफी चेक कर रहा था, यहां भी होगी वो किताब, देख लें, 250 रिपोर्ट और किताब की, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए। तो ये था हमारे इतिहास को लेकर, इसी वक्त ये समझ खराब की गई, क्योंकि हमको उस आजादी की लड़ाई के तमाम सुंदर अनुभवों से दूर ले जाना था। जो ले जाए गए, जो लोग ले जाए गए, जिनको लगता है कि इतिहास में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आप क्या अच्छा कर रहे हैं? वही चीजें तो दोहराई जा रही हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम अपने हिस्ट्री को, अब बहुत जरूरी है कि समझें कैसे पढ़ना, कमियां जरूर हैं, तो आप लिखिए, उसका सोर्स दीजिए। आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं लिखी गई हैं, जिस हिस्ट्री राइटिंग को पहले खत्म कर दिया गया लड़ाई से, कि ये राजा महाराजा महापुरुषों का इतिहास नहीं होता, आम लोगों का इतिहास होता है, ये खेल समझिए। उस इतिहास के राइटिंग से वो आम लोगों को गायब कर देना चाहते हैं, आपके वर्तमान में आपको खड़ा करके आपके अतीत को गायब कर देना चाहते हैं, और इतिहास को सिर्फ 25 महापुरुषों और साम्राज्यों का इतिहास बताना चाहते हैं। इस हिस्ट्री राइटिंग को दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है? आप भेजेंगे अपने बच्चों को ऐसे जगह पर पढ़ने के लिए? तो फिर देखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और कोलंबिया में एप्लीकेशन डालना बंद कर दें, फिर इन मंत्रियों के भी बच्चे वहीं जाके पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में। गरीब देश हैं, आपके देश में
नैक जो है, नेशनल एक्रीडेटिंग एजेंसी जो है MHRD की, इसकी रिपोर्ट है 91% कॉलेज एवरेज और बिलो एवरेज हैं। बताइए जब इतना खराब कॉलेजों का क्वालिटी होगा उनकी, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, हर धर्म में इस तरह के क्वालिटी के लोग पैदा होंगे ना। ये हुआ है 91% कॉलेज जो हैं वो बिलो एवरेज और एवरेज के कॉलेज हैं। इतना बड़ा देश, और नौटंकी देखिए, बाहर जाकर हम विश्वगुरु बनने वाले हैं कॉलेज में ताला लगा के, लेकिन वो आपके बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं। जिस यूपी में 10 लाख बच्चे पिछले साल हिंदी में फेल हो गए, तो आप 91% कॉलेज की बात नहीं करते थे, लेकिन वो एक इमेज बनाते जैसे लगेगा कि ये इतनी बड़ी समस्या है। छोड़ो हटाओ, रैंकिंग की बात करते हैं, 10 इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बना देते हैं, उसमें भी एक उद्योगपति साहब की कोई कागज पर ही रह गई है तो उनको नंबर वन बना देते हैं। ये हुआ ना, मैं कोई गलत बोल रहा हूं, हुआ कि नहीं हुआ?